ये तेजस्वी यादव को देखने का काम नहीं है, ये तेजस्वी यादव का काम नहीं है। इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, इस्तीफा दे देना चाहिए। सब जांच कर रहा है, पुलिस सारा जांच कर रहा है, सब लोग पकड़ा रहा है। सरकार का जवाब लेने का साहस उनको नहीं है। सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, पांव में दर्द हो, 2025 में उसका पूरा इलाज किया जाए। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। नेता प्रतिपक्ष कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर है, तो वहीं अब नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर विपक्ष कई तरह की सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज और श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार जनता से फीडबैक लेने जा रहे हैं और विभिन्न तरह के कामों का जायजा भी लेने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की हालत जो पहले थी अब काफ़ी बेहतर हुई है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है, उन्होंने जीविका दीदियों के लिए भी बहुत कुछ किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और जयंत राज। अगर विकास की कोई योजनाएं चल रही है, सरकार की योजनाएं चल रही है, वो सारी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार यात्रा करते हैं, तो उनको इतना कष्ट क्यों है? स्वास्थ्य सेवा, ये तेजस्वी यादव को देखने का काम नहीं है, ये तेजस्वी यादव का काम नहीं है। इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, इस्तीफा दे देना चाहिए। सब जांच कर रहा है, पुलिस सारा जांच कर रहा है, सब लोग पकड़ा रहा है। पुलिस पप्पू यादव जी को बोलिए धैर्य रखेंगे, सब लोग जो लोग उनको फोन कर रहा है ना, सब लोगों का ट्रेस पुलिस कर लिया है, मैक्सिमम लोगों का ट्रेस कर लिया है, और एक दो लोग तो पकड़ा गया है, और जल्द जल्द सारे चेहरे समझ में आ गए। अभी तो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में तो सारा जनता ने फीडबैक दे ही दिया है तेजस्वी यादव जी को कि अब जो ये जितना यात्रा करना, और सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से यात्रा करती हैं, और उनको भी अपना यात्रा करना है, शुभकामना है अपना कीजिए। जनता ने तो ऐसे फीडबैक दे ही दिया है। मोदी जी ने उसका जवाब दिया है, कई सवाल पूछिएगा तो क्या जवाब देगा, हम लोग तो पैनल में। सरकार का जवाब लेने का साहस उनको नहीं है। अगर सरकार से जवाब लेने का साहस है तो राज्य में जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% आरक्षण मिला, और नगर निकायों में भी मिला, और 1 से लेके 8 तक के शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण मिला, और 35% आरक्षण अलग से सरकारी नौकरियों में जो मिली है महिलाओं को, लड़कियों को, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार में 10,63,000 स्वयं सहायता समूह बनाए गए, 1,31,00,000 परिवार तक नीतीश कुमार जी की दिशा निर्देशन में हम लोग पहुँचे हैं, और 1,31,00,000 परिवार आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो आज 2 जून की रोटी के लिए आज हाथ किसी के सामने नहीं पसार रही है, वो यहाँ पर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की दवाई के लिए, और सामाजिक उत्सव के लिए, घरों में उत्सव के लिए आज किसी के आगे हाथ नहीं पसार रही है। ये काम हुआ है, उनसे पूछिए कि जीविका की दीदियों को जिस तरह से हमने आगे बढ़ाया है, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे हॉस्टल्स हैं, जितने हमारे हॉस्पिटल हैं, सभी में जीविका की दीदियों को हम रोज़गार दे रहे हैं, जितने तालाब हैं उसका निरीक्षण देखरेख करने और उसकी आमदनी के लिए उनको हमने रोज़गार के लिए उनको खड़ा किया है, सिलाई के लिए, कटाई के लिए, बकरी पालन, पशुपालन के लिए, खेती करने के लिए, अनेक प्रकार के रोज़गार से हम लोगों ने जोड़ा है, और जो काम बचा हुआ है उसको फीडबैक लेना है, जानकारी लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी डबल टटोलेंगे,
कि और हमारी महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, उनके परिवार को और कैसे मजबूती प्रदान की जा सकती है, और कैसे जो बचे हुए लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसका उपयोग है, दुरुपयोग नहीं सदुपयोग है। जहां आधी आबादी को जब संबल देने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए, उनके लिए कोई योजना बनती है, तो विपक्ष के नेता लोग को पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, 2025 में उसका पूरा इलाज किया जाए। जो भी बिहार में गलत काम करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। न कोई बचा है और न कोई बचने वाला है, और एक सिरे से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी।